हेलो फ्रेंड्स दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस ऑन आवर चैनल वी रिसीव्ड सेवरल रिक्वेस्ट्स फॉर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर यूज्ड बाय टीम अलायलन टू क्रिएट देअर लेक्चर्स तो हम आपको बताएंगे कि अलायलन के जैसी वीडियो कैसे बना सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इजली अलायलन के जैसे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर पाएंगे सो

Go to this link. Here you will have two options. आप window और Mac जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके लिए इसे download कर सकते हैं Download कर लीजिए उसके बाद install कर लीजिए Then just open it. Now see, मैं यहाँ पर आपको स्केचबुक का बेसिक समझा दूंगा जिससे आपका काम बन जाएगा ये हमारा ब्रश पैलेट है इसके अंदर देखिए आपको एक पेंसिल मिलती है एक पेन मिलता है चेचल टिप पेन ये बॉल पॉइंट पेन है ये इंकिंग पेन है और दो अलग अलग इरेजर मिलती हैं हार्ड इरेजर एंड सॉफ्ट इरेजर हम जो है वो बॉल पॉइंट पेन और हार्ड इरेजर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ से आप ब्रश की प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं तो ये मेरी सेटिंग है जो मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ आप इन्हीं सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं जस्ट आप देख लीजिए एक बार नाउ दिस इज़ द कलर एडिटर जो ये कलर्स हैं हम यूज़ करते हैं अपने ग्रीन बोर्ड पर वो यहाँ पर मैंने पहले से ऐड किए हुए हैं ताकि मुझे बार बार ऐड करने ना पड़े तो इसे ऐड करने के लिए आप किसी भी कलर को सिलेक्ट कीजिए फिर यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग कीजिए और जो भी कलर आपको जहाँ पे भी रिप्लेस करना है या ऐड करना है ऐड कर लीजिए लाइक दिस पॉसिबल हुआ तो मैं आपको इन कलर के कोड्स भी दे दूंगा जो कि आप यहां पर डाल सकते हैं ये फ्रेंड्स जूम इन जूम आउट का बटन है इससे देखिए आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं ये मेरा सिलेक्ट टूल है इससे आप कोई एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं कट कॉपी पेस्ट करने में हेल्प करता है ये फ्लड फिल है इससे आप पूरे बैकग्राउंड को किसी कलर से फिल कर सकते हैं ये टेक्स्ट है इससे टेक्स्ट आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं देन दिस इज लेयर्स लेयर्स बड़े काम की चीज़ है देखिए मेरा बैकग्राउंड वाइट है और लेयर वन के ऊपर मैंने ये पिंक कलर डाला है अब देखिए मैं अगर इसके ऊपर लिखता हूँ और जब मैं उसको रब करूँगा तो मेरा बैकग्राउंड भी रब हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कीजिए जो भी कलर आपने जिस भी लेयर पर डाला है या बैकग्राउंड पर डाला है उसके ऊपर एक और लेयर लगा दीजिए बस प्लस बटन से मैंने लेयर लगा दी अब मैं जो भी लिखूंगा वो मेरा रब करने के बाद रब नहीं होगा क्योंकि मैं लेयर टू पर काम कर रहा हूँ और मेरा बैकग्राउंड कलर जो है वो लेयर वन पर है तो आप किसी को भी बैकग्राउंड कलर बना सकते हैं और उसके ऊपर एक लेयर लगा के इजीली काम कर सकते हैं तो जो आपका बैकग्राउंड है जहाँ पर आप फ्लड फिल करेंगे वो आपका बैकग्राउंड की तरह काम करेगा तो ये इस तरीके से हम लेयर को यूज़ करते हैं इनको मर्ज भी किया जा सकता है डिलीट भी किया जा सकता है ये सब चीज़ें आप यूज़ करते करते सीख जाएंगे देन ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्रश पैलेट को बंद कर देगा देन आप दोबारा ऑन कर लीजिए ये कलर एडिटर को बंद करेगा आप इसको ऑन कर लीजिए तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर आप सर्कल रेक्टेंगल ये सब इंसर्ट कर सकते हैं अब मैं दिखाता हूँ अपनी फाइल खोल के कि वो कैसी दिखती है और हम कैसे काम करते हैं तो ये प्लेन बोर्ड नाम से मैंने एक फ़ाइल यहाँ पर रखी है लेट्स ओपन दिस फाइल तो फ्रेंड्स ऐसे ये फ़ाइल खुल जाती है पॉसिबल होगा तो मैं इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सबसे पहले आपको कंट्रोल ऑल्ट ज़ीरो दबाना है ये क्या करता है फ़ाइल को हंड्रेड परसेंट जूम करता है अब मैक्सिमम स्पेस को आपको रिकॉर्ड करना है उसके लिए आप इसको थोड़ा सा हाइड कर दीजिए और ये नीचे देख रहे हैं कुछ आ रहा है इसको भी मैं हाइड कर दूंगा यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे और ये टाइटल बार ओनली सेलेक्ट कर लीजिए नाउ सी फ्रेंड्स आप कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट करके स्टार्ट कर सकते हैं और इस एरिया को रिकॉर्ड कर सकते हैं तो अब आप यहाँ पर बिल्कुल अलाइलन के जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अब एक क्वेश्चन है जो शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा जब ये पूरा भर जाएगा तब हम कहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्रोल बार नहीं है तो देखिए स्क्रोल बार को एक्टिव करने के लिए आप एडिट में जाइए प्रेफ्रेंसेज और यहाँ कन्वास पे क्लिक कीजिए और अनेबल कनवास स्क्रोल बार इस पर आप क्लिक करके ओके okay करेंगे तो आपको ये देखिए स्क्रोल बार मिल जाएंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं पूरा और जब ये पूरा भर जाए तब आप इसको स्क्रोल कर सकते हैं लेफ़्ट टू राइट भी और टॉप टू बॉटम भी तो ये तो था ऑटोडेस्क स् बुक को यूज़ करना अब हम देखेंगे इसके साथ कैमटेशिया को कैसे यूज़ करके रिकॉर्ड किया जाता है कैमटेशिया स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए आप गूगल कर सकते हैं स्मिथ प्रीवियस वर्जन डाउनलोड हम जो वर्जन यूज़ करते हैं वो 8.6 है तो यहाँ पर आप डाउनलोड सेंटर पे जाइए ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए कैमटेशिया विंडोज़ अगर आप मैक पर हैं तो मैक सिलेक्ट कर लीजिए और ये 8.6 वर्जन दिस वन यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इंस्टॉल कर लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ बाकी का प्रोसेस आप इस कैमटेशिया स्टूडियो को ओपन कर लीजिए नाउ सी यहां पर दिया गया है रिकॉर्ड द स्क्रीन ऑप्शन इस ऑप्शन से आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं ऑटोडेस्क स्केच बुक खोल लेता हूं ये मैंने स्केच बुक खोल लिया है अब देखिए रिकॉर्ड द स्क्रीन पे कीजिए ये आप कस्टम पे क्लिक करके इस पोर्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं जितना पोर्शन आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं और जो भी आप रेशो रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं ये देखिए रेशियो दिखाई दे रहा है और जो भी आपका इनपुट माइक्रोफोन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए मैंने ब्लू स्नोबॉल के माइक्रोफोन यूज़ करे हुए हैं तो उसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है अब आप रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा ये हैंड वाला कर्सर के लिए इफेक्ट ऑप्शंस कर्सर कर्सर में आप यहां से हैंड टू सिलेक्ट कर लीजिए तो ये आपको हैंड वाला कर्सर मिल जाएगा यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कीजिए जो भी इस फ्रेम के अंदर आ रहा है वो रिकॉर्ड हो जाएगा और आप इसको एज अ वीडियो यूज़ कर सकते हैं बस आपको यहाँ पे लिखना है और माइक्रोफोन का यूज़ करके बोलना है और ये रिकॉर्डिंग को स्टार्ट रखना है इतना सिंपल प्रोसेस है फिर हम इस वीडियो को एडिट करते हैं बाकी हार्डवेयर रिलेटेड चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा कैमटेशिया काम रिकॉर्डिंग करने के लिए और एडिटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेट्स टॉक अबाउट हार्डवेयर्स फर्स्ट वन इज वाकॉम पेंट टैबलेट सेकेंड वन इज स्नोबॉल आइस माइक्रोफोन तो इन्हें आप परचेज करने के लिए अमेजोन पे जा सकते हैं वहां पर आप डालिए वाकॉम पेन टैबलेट आप देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शंस आप, आपको मिलेंगे ये सबसे बेसिक आता है सी टी एल फोर सेवन टू ये सैंतीस सौ पैंतीस सौ रुपये तक का आपको मिल जाएगा दिस इज़ बेस्ट आप इसको परचेज़ कर लीजिए और अगर आप इससे बड़ा साइज़ का चाहते हैं तो वो सात हजार के आसपास आता है तो जो भी आपकी चॉइस हो और बजट हो उसके हिसाब से आप एक पेन टैबलेट परचेज़ कर लीजिए वाकॉम बेस्ट ब्रांड है पेन टैबलेट के लिए सेकेंड इज़ माइक्रोफोन उसके लिए मैं आपको स्नोबॉल का रिकमेंड करूंगा। स्नोबॉल आइस माइक्रोफोन हम यूज़ करते हैं ये देखिए ये वाला स्नोबॉल आइस माइक्रोफोन है तो इस पर डील भी चल रही है जो भी आपको इनमें से पसंद आता है वो आप ले सकते हैं ये पैंतालीस सौ पाँच हज़ार के आसपास आपको मिलेगा बजट ज़्यादा है तो आप ब्लू एट्टी माइक भी ले सकते हैं ये इससे बेटर क्वालिटी का है स्नोबॉल कंपनी का ही है इन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो वहाँ से जाके आप ये सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं वाकॉम टैबलेट की सेटिंग्स की तो जब आप वाकॉम इंस्टॉल कर लेंगे तो आप वाकॉम टैबलेट प्रॉपर्टीज़ खोलिए जो इसके ड्राइवर्स हैं वो आपको इसके अंदर भी मिल सकते हैं नहीं तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस आपको टैबलेट के अंदर मिल जाएंगी तो यहाँ पर एक चीज़ है मैपिंग पे जाइए और ये यूज़ विंडो इंक ये ऑप्शन जनरली ऑन होता है इसको आप ऑफ रखिए ऑफ रखेंगे तो थोड़ा सा स्मूथ चलता है तो ये आपको कोई भी लैग महसूस नहीं होगा और ये पेन के बटन हैं आप इनको अपनी चॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ये पेन की टिप फील है आप इसको स्मूथ फर्म जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं जो आप यूज़ करेंगे तो सीख जाएंगे तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि आपको यूज़ विंडोज़ इंक को अनचेक करना है सो फ्रेंड्स दिस इज़ हाउ वी रिकॉर्ड अवर लेक्चर्स रिकॉर्डिंग के बाद एडिटिंग करते हैं और editing हम और एडिटिंग हम कैमटेशिया स्टूडियो में करते हैं अगर आप कैमटेशिया स्टूडियो परचेज नहीं करते तो अल्टरनेटिवली आप ओ यूज़ कर लीजिए एडिटिंग के लिए आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं अगर आप भी मैथमेटिक्स के लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं और हमारे मेथड फॉलो करते हैं तो आप हमें अपना रिज्यूमे और अपनी वीडियो हमें भेज सकते हैं आपका कंटेंट हमें पसंद आता है तो ज़रूर हम आपको रीच करेंगे अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टीचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग